किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की, किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी नहीं। कोई बाहुबली बाहुबली नहीं है, है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। आलिया मालिया जमालिया मतलब किसी खास जाति धर्म का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब जमीनों पर कब्जा नहीं होता, आलिया मालिया जमालिया, बाहुबली की बात नहीं होती, बजरंग बली की बात होती है। मतलब समझा नहीं, प्लीज इसको बता पाएंगे? क्योंकि वो निजाम वाला मुझे याद आ गया था। देखिए आलिया मालिया जमालिया मित्र बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जब डर लगता है ना, हम जैसे गांव में रहते थे तो रात को 12 बजे कहीं जाना डर लगते, तो हम कहते जय बजरंग बली और तोड़ दुश्मन की नली। क्या बजरंग बली का नाम लेते ही आदमी के अंदर ताकत आ जाती है। बजरंग बली जी की जात क्या है? मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा और मैं इस सवाल का आपके जवाब दूंगा। बिल्कुल, उन्होंने जो बोला वो सत्य बोला। आलिया मालिया और जमालिया का ही जिक्र क्यों करते हैं आप निजाम पढ़ाते हैं तब भी उसमें मुसलमान लोगों के नाम होते हैं। 20% इस देश में ऐसे लोग हैं देश के अंदर रह के देशद्रोही काम कर रहे हैं। हमें पहले छुपे हुए गद्दारों से भी लड़ना है, इनको निकालने का काम है। यशस्वी गृह मंत्री की तो हमें तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे अवसर पे इन लोगों को चिन्हित करने के लिए बोला। संदीप दुबे जी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आपने यही कहा ना? मैंने सही सुना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने उत्तर प्रदेश में आपने कितने प्रत्याशी मुस्लिम उतारे, कोई आंकड़ा है? नहीं देखिए, मेरे पास आंकड़ा भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं कि जिन लोगों का विश्वास हमारे दल में पार्टी में है और हमारे कार्यकर्ता जिस पे विश्वास करते हैं और जो राष्ट्र को प्रथम मान के जीने वाले लोग हैं, उन सबको हमने टिकट दिया है और वो सब जीत के आएंगे। आज हम ये शहर स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट हिंदू समाज है और हिंदू समाज खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरा हिंदू एक है, लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता। केदारनाथ में एक बीजेपी के नेता ने ऐसा बयान दिया कि मैं हैरान परेशान हो गया। अब वो बयान सही है या गलत है बीजेपी नेता ही बताएंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बहन के रूप में केदार को सेला रानी मिली है, नाम सेला है, हिमालयों की रानी सेला है। बाबा केदार चंद्राव में रहता है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र जो अपने आप में केदार है, ऐसी पार्टी का आप कार्यकर्ता है। बाबा केदार की तुलना देश के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, बाबा केदार की तुलना आप इसे जायज मानते हैं? किसी को मोदी जी में राम दिखते हैं, किसी को मोदी जी में भगवान शंकर दिखते हैं और किसी में विवेकानंद जी दिखते हैं। गलती नहीं हो सकती, ये अभिमान है, ये स्वाभिमान है, स्वाभिमान है, ये गलती नहीं है कि आप बाबा केदार से देश के प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं, ये अपमान नहीं। मुझे तो आप में भी राम दिखता है, आप ईमानदारी की मूर्ति हैं प्रभु, अपने प्रश्न को ईमानदारी से रखते हैं। मुझे पत्रकार ही देखो, गणेश भी हो सकते हैं, मुझे पत्रकार ही देखो, मुझे पत्रकार ही देखो। चाटुकार मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, चाटुकारता होता है, ये सम्मान नहीं दे रहे हो कि विष्णु का अवतार बोल रहे हो और जिसको केदारनाथ का, केदारनाथ बनने के लिए बहुत, केदारनाथ कैसे हो सकते हैं? हम मोदी जी जिस तरह से जासूसी करा रहे हैं देश का, वो केदारनाथ हो जाएंगे। जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी की बात कहकर 15 लाख खाते में लाने की बात कहकर लोगों को झांसा दिए, वो केदारनाथ हो जाएंगे। देश को गुमराह करने के लिए, युवाओं को गुमराह करने के लिए सरकार 7 साल में जिस तरह से 8 साल में धर्म जाति में बांटने का काम कर रही है, वो केदारनाथ हो जाएंगे। इस बात पे हमको ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्ति में लोग क्या क्या नहीं बोल जाते हैं। ये दृष्टि है तो जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसा देख सकता है। अच्छा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बिल्कुल सही कहा। 80-20 वाली सृष्टि भी आपकी, 80-20 वाली। अरे नहीं, ये मीडिया की, मीडिया मीडिया काफी जहर घोला है और मीडिया और विपक्ष के लोगों ने मिलकर इस देश में बहुत ज्यादा जहर घोला है। मैं पहली बार मीडिया पे इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता था। जहर उन्होंने घोला जो राष्ट्रवाद के नाम पर कहते टकरा दो, लड़ा दो, भिड़ा दो, वो कह रहे हिंदू, वो कह रहे मुसलमान। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने ही बांटा है, जहर उन्होंने ही घोला है, बिल्कुल सही। जिस दिन बेरोजगारी की बात कर लेंगे तो आपके केंद्र में 8,42,000 पद जो है वो खाली नहीं रहेंगे। वो एक महीना सर चर्चा कर ले, जिनको गालियां आप दे रहे हैं ना, वो एक महीना चर्चा कर ले पूरे देश के भीतर, तो 8,42,000 पद खाली नहीं रहेंगे केंद्र के। नौकरी को लेकर एजेंडा, एजेंडा।